सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट टैक्सेस। बट बिफोर यू स्किप दिस वीडियो एंड से कि यार फिर से टैक्सेस के बारे में बात करने आ गया, क्या पकाऊ वीडियो है यार, जस्ट वेट अ मिनट एंड हियर मी आउट कि कौन सी चीज़ों को आपको कंसिडर करने चाहिए बिफोर यू डू ट्रेड इन दिस फाइनेंशियल ईयर। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट एंड थैंक्स टू EPNS फॉर पावरिंग दिस वीडियो। मोर ऑन दैट लेटर इन दिस वीडियो। तो दोस्तों, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट आवर गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग अ फ्लैट 30% टैक्स ऑन प्रॉफिट्स फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज एंड 1% TDS स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई दिस ईयर। तो उस चीज के बारे में वी विल वोंट डिस्कस, वी विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट मोस्ट पीपल आर कन्फ्यूज्ड अबाउट। काफी लोगों को ये लगता है कि इफ आई एम हैविंग बिटकॉइन फॉर एग्जाम्पल एंड आई एम सेलिंग इट इन एक्सचेंज फॉर इथीरियम लेट्स से, तो उनको ये लगता है कि अगर हम लोग INR में सेल नहीं करेंगे सो वी डोंट नीड टू पे एनी टैक्सेस। बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप कोई भी वर्चुअल एसेट को सेल करते हो, लेट्स से यू आर ट्रेडिंग बिटकॉइन फॉर इथीरियम और फॉर USDT और फॉर एनी अदर एसेट टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो उस टाइम पे जो भी आपका सेल वैल्यू होगा यू नीड टू टेक दैट इनटू INR एंड कैलकुलेट योर टैक्स एट 30% प्रॉफिट। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। बेसिकली पीपल आर कन्फ्यूज अबाउट इट अ लॉट एंड ऑन ट्विटर आई हैव सीन पीपल दे आर जस्ट फाइटिंग ऑन ट्विटर थ्रेड्स टॉकिंग अबाउट कि यार अगर मैं INR में बेचूंगा ही नहीं सो आई डोंट नीड टू पे एनी टैक्स, बट दैट्स रॉन्ग। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज कि काफ़ी लोगों को ये भी एक कन्फ्यूजन है कि अगर मैंने 100 rupees का बिटकॉइन खरीद के उसको 200 rupees में बेचा तो मुझे टोटल 200 rupees पे 30% टैक्स देना है। बट दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आपको सिर्फ प्रॉफिट पे 30% टैक्सेस देने हैं, नॉट ऑन योर प्रिंसिपल। सो इफ यू हैव मेड 100 rupees प्रॉफिट, एसेंशियली योर टैक्स कम्स डाउन टू ओनली 30 rupees। ओके, सो 30% जो टैक्स है वो सिर्फ प्रॉफिट पे लग रहा है गाइस, नॉट ऑन दी एंटायर सेल वैल्यू। बट जो TDS है 1% का, वो आपके एंटायर सेल वैल्यू पे इम्पोज करा जाएगा, नॉट जस्ट ऑन दी प्रॉफिट्स। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है काफी लोगों को जो कंफ्यूज कर रहा है। TDS पूरे सेल वैल्यू पे लगेगा, प्रॉफिट पे सिर्फ टैक्स लगेगा। दैट इज व्हाट यू नीड टू नो व्हाइल डूइंग ट्रेड्स ऑन एनी काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। अपार्ट फ्रॉम दीज टू क्वेरीज, पीपल आर ऑल्सो कन्फ्यूज कि अगर हम लोग एक इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं या फिर हम लोग अगर एक डेक्स पे ट्रेड करते हैं, यू नो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे, तो उन केसेस में हमारे ऊपर जितने भी टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे वो गवर्नमेंट कैसे ट्रैक करेगी? बेसिकली वो नहीं कर पाएंगी बिकॉज ऑफ द वेरी नेचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, राइट? तो इन फ्यूचर अगर कभी भी आप पे कोई भी सस्पेशन रेज होता है, यू नो, बाई एनी काइंड ऑफ इनकम टैक्स एजेंसीज और टैक्स अथॉरिटीज बेसिकली, तो वो लोग आपसे पूछेंगे कि वॉट आर दी सोर्स ऑफ योर इनकम। एंड अगर आपने कभी भी कोई वर्चुअल एसेट ट्रेड किया है, जस्ट प्रोवाइड अस ऑल दी डिटेल्स, राइट? तो उस टाइम पे आपको अपने सारे इन्फॉर्मेशन को शेयर करना पड़ेगा अबाउट योर ट्रेड्स, अबाउट योर वॉलेट एड्रेसेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उस टाइम पे उनको पता चलेगा कि आपने कितना टैक्स को अपने इवेट कराए बेसिकली। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट कि अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पर मतलब ट्रेड कर रहे हो ना, तो यार प्लीज अपने 30% टैक्सेस को प्लीज पे करो, उसको इवेड मत करो, राइट? दैट इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग कि आप लोग टैक्सेस नहीं पे करोगे। इफ इट इज अ लॉ देन यू नीड टू पे योर टैक्सेस, राइट? नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, लेट्स टॉक अबाउट EPNS हु इज द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। तो EPNS दोस्तों एक Web3 बेस्ड नोटिफिकेशन प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप अपने मल्टीपल डेक्सेस के अकाउंट्स में आप अपने नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हो। ऑन EPNS नोटिफिकेशन सर्विस यू कैन टर्न ऑन नोटिफिकेशंस फॉर योर ENS। अगर आपका डोमेन एक्सपायर होने वाला है और आपको लगता है कि यार मैं तो भूल जाऊंगा कि कब ये होने वाला है, सो यू कैन टर्न ऑन नोटिफिकेशंस फॉर योर ENS। इसके बाद आप लोग इथीरियम के गैस फीस को ट्रैक कर सकते हो बिकॉज दे आर समटाइम्स आउट ऑफ द रूफ एंड इफ यू वॉन्ट टू प्लेस अ ट्रेड ऑन एनी डेक्स यू नीड टू पे योर गैस फीस, राइट? तो इसके लिए आप लोग उसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो ऑन योर ब्राउजर एंड यू डोंट नीड टू गो ऑन etherscan.io एंड कीप ऑन कॉन्स्टेंटली चेकिंग द गैस प्राइसेस। तो डेफिनेटली यार EPNS को चेक करो, जो ऐप का लिंक है दैट विल बी इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक दम आउट। कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक ऑफ डिस्कशन, यहाँ पे जो एक और मेजर प्रॉब्लम है दैट इज हाउ डू वी कीप ट्रैक ऑफ ऑल दीज मल्टीपल ट्रांजेक्शंस, मल्टीपल ट्रेड्स दैट वी आर गोइंग टू डू इन दिस फाइनेंशियल ईयर। तो इसी सेम प्रॉब्लम के लिए आई हैव शेयर्ड एन एक्सेल शीट जो कि आप यूज कर सकते हो, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। वी हैव मेड अनदर वीडियो ऑन दैट प्रीवियसली। फॉर एग्जांपल इफ यू आर बाइंग समथिंग फॉर 10,000 rupees एंड यू आर लेटर ऑन सेलिंग दैट फॉर 8,000 rupees एट अ 2,000 rupee लॉस, तो कैसे वो आप करोगे? यू जस्ट नीड टू यूज दैट एक्सेल शीट फॉर योर ओन रेफरेंस। एंड
जस्ट अ स्मॉल थिंग कि देखो इसमें एक और जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा डाउनसाइड है, दैट यू कांट सेट ऑफ योर लॉसेस फॉर वन पर्टिकुलर कॉइन इन अनदर वन. तो अगर आप बिटकॉइन में लॉस करते हो, यू कांट सेट दैट ऑफ अगेंस्ट इथेरियम. सो दैट इज द बिग डाउनसाइड ऑफ दीज न्यू टैक्स लॉज. तो इसके लिए आप उस शीट के मल्टीपल कॉपीज बना लो इन द गूगल शीट दैट आई हैव प्रोवाइडेड, और हर एक कॉइन के लिए आप अलग अलग पेज मेंटेन करो फॉर योर ईज ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. एंड दैट इज हाउ यू नीड टू डू इट. इट्स वेरी लाइक ट्रिकी एंड आई वुड से इट्स टाइम कंज्यूमिंग एज वेल, क्योंकि आपको हर एक चीज का ट्रैक करना पड़ेगा. सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई नो इट गाइस, बट दैट इज द ओनली वे राइट नाउ. और जब से TDS आ जाएगा, आई डोंट नो व्हाई दे हैव इम्पोज्ड अ 1% TDS, बट इट्स क्रेजी इफ यू थिंक अबाउट इट. जो लोग ओकेजनली ट्रेड करते हैं यार, उनके लिए तो मतलब इट इज स्टिल ओके, बट फॉर ट्रेडर्स हु आर मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ क्रिप्टो, इट्स जस्ट पैथेटिक टू लुक एट 1% TDS. तो वीडियो के अंत में मेरा यही सजेशन होगा दैट इफ यू आर अ ट्रेडर, डू वन थिंग आफ्टर जुलाई की आप इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे ट्रेड करो. बिकॉज वॉट आई बिलीव इज दैट कि वो लोग TDS को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और मे बी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस वोंट इम्पोर्ट अ फ्लैट 1% TDS ऑन ऑल कस्टमर्स, राइट. तो फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स आई वुड सजेस्ट कि आप किसी अच्छे इंटरनेशनल एक्सचेंज पे जाओ, वहाँ पे आप ट्रेड करो जो भी आपको करना है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, जो भी जो कुछ भी होता है यार, मार्जिन लो, लेवरेज लो, स्पॉट मार्केट में ट्रेड करो, जो कुछ भी होता है अब वो सारा कुछ इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे करो. बट जस्ट मेक श्योर टू पे योर टैक्सेस एट 30% एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, जस्ट टू अवॉइड TDS. आप ये मत करो कि आप टैक्सेस को ही अवॉइड कर दो, राइट. दैट इज वन थिंग दैट यू कैन डू. अगर आप लाइक एक रिटेल इन्वेस्टर हो जो कि थोड़ा बहुत क्रिप्टो में डाइवर्सिफाई करना चाहता है अपार्ट फ्रॉम स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स एंड FDs एंड ऑल, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू गाइस, क्योंकि आप लोग बस खरीद के उसको होल्ड ही करने वाले हो. सो फॉर होल्डर्स देयर इज एब्सोल्युटली नो टैक्स. एंड लास्टली यार देखो, यू नीड टू एडजस्ट योर वे ऑफ ट्रेडिंग, एडजस्ट योर वे ऑफ होल्डिंग टोकन्स फ्रॉम दिस ईयर ओनली. तो पैनिक करने से कोई फायदा नहीं है. वी नीड टू हैव ओपन डिस्कशंस ऑन ट्विटर, लेट आर गवर्नमेंट नो कि इसका डाउनसाइड्स क्या है, इस इंडस्ट्री के पॉजिटिव्स क्या है. एंड या लेट्स होप दैट थिंग्स गेट बेटर इन द फ्यूचर. सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक इट. प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर एजुकेशनल कॉन्टेंट ऑन क्रिप्टो. And see you guys in the next one. Till then, goodbye.